Good morning student of class 2. Welcome back to the next video session. This is your third chapter of English. Okay. And the chapter name is The Best Friend. ठीक है. Now हम लोग study करते हैं. It was the festival of Diwali. क्या क्या festival है? दिवाली के festival थे. A friend is that real friend who thinks good for his poor friend. एक friend अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने poor friends के बारे में कुछ अच्छा सोचे. ठीक है. Such friend was Buns who helped his friend Honey for his good future. एक ऐसा ही दोस्त था. कौन? Buns, जो उसका एक poor friend था. कौन? Honey. उसके फ्यूचर के बारे में वो सोच मतलब मदद करते रहता था. ठीक है. फ्यूचर्स के बारे में, उसके अच्छे फ्यूचर्स के बारे में वो क्या करता था? सोचते रहता था और हेल्प करते रहता था. ठीक है. वंस वाज मच एक्साइटेड. इट वाज संडे एंड हिज स्कूल वाज ऑफ. हिज मदर मिसेस शर्मा प्रॉमिस टू टेक हिम फॉर शॉपिंग. दिवाली वॉज जस्ट अ फोर्टनाइट. लाइक एवरी वन एल्स वॉन्ट्स बंस टू वॉन्टेड इन्जॉय हिमसेल्फ. क्या बोल रहे हैं? बंस जो था बहुत ही खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि क्या था? इट वॉज संडे एंड हिज स्कूल वॉज ऑफ. क्या था? संडे का दिन था और स्कूल ऑब्वियस है, संडे के दिन स्कूल क्या होता है? ऑफ था. जस्ट लाइक बंस का भी स्कूल क्या था? ऑफ था. ओके. हिज मदर मिसेस शर्मा प्रोमिस टू टेक हिम फॉर शॉपिंग. उनकी मम्मा उनसे प्रॉमिस की थी, वंस को प्रॉमिस की थी, मिसेस शर्मा जो है प्रॉमिस की थी कि उसे कहाँ लेके जाएंगी? शॉपिंग के लिए लेके जाएंगी. ओके. दिवाली वॉज जस्ट अ फॉर्टनाइट अवे. दिवाली में अभी कुछ रात अभी कुछ बाकी था. ठीक है. बाकी था, दिवाली आने में भी बाकी थे. लाइक एवरी वन एल्स वॉन्टेड टू इन्जॉय हिमसेल्फ. सभी कोई चाहते थे कि वंस जो है बहुत अच्छे से इन्जॉय करे, दिवाली को इन्जॉय करे. ठीक है. कम ऑन मम्मा सेड बंस. कौन बुलाता है? बंस बुलाता है. कम ऑन मम्मा, वी विल लेट. हम लोग लेट हो रहे हैं. प्लीज़ हरी अप, जल्दी करिए मम्मा. मिसेस शर्मा लाफ्ड व्हेन शी सॉ हाउ इम्पेशेंस वंस वाज. मिसेस शर्मा क्या हो गई? हंसने लगी. क्यों? क्योंकि वंस जो था बहुत ही जल्दी जल्दी में था. ठीक है. सून दे वेयर ऑन देयर वे टू दी गारमेंट स्टोर. जल्दी वो कहाँ पहुँच गए? गारमेंट स्टोर में पहुँचे. देयर वेयर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स एट द स्टोर. वहाँ पे क्या थे? बहुत ही अच्छे अच्छे थिंग्स स्टोर किए हुए थे. ठीक है. मिसेस शर्मा वाउट जीन्स टी शर्ट शॉर्ट्स एंड शूज फॉर बंस. मिसेस शर्मा ने बंस के लिए क्या क्या खरीदे? जीन्स खरीदे, टी शर्ट खरीदे, शॉर्ट्स खरीदे एंड शूज़ खरीदे. ठीक है. ही लव्ड हिज न्यू क्लॉथ एंड शूज. वो बंस क्या हो गया? खुश हो गया न्यू क्लॉथ और शूज़ को देखकर. ठीक है. देन ही सडनली रिमेंबर्ड हिज फ्रेंड हनी. तो अचानक उसको क्या याद आया कि उसका एक दोस्त है. कौन? हनी. हनी वॉज अ लिटिल बॉय. हनी कौन था? एक लिटिल बॉय था. ही वॉज अबाउट बंस एज. किसके एज का ही था? बंस के एज का था. ही वॉज कृष्णा सन. किसका बेटा था? कृष्णा के बेटा था. कृष्णा वॉज द गार्डनर. कृष्णा कौन थे? कृष्णा हनी के पापा थे और वो क्या थे? गार्डनर थे, माली थे. ओके. वंस एंड हनी वे गुड फ्रेंड्स. बंस और हनी क्या थे? बहुत ही अच्छे दोस्त थे. हनी कुड नॉट गो टू स्कूल लाइक बंस. हनी स्कूल नहीं जा सकता था बंस की तरह. ठीक है. बंस यूज टू टीच हिम ऑल द थिंग्स दैट ही लर्न एट स्कूल. बंस जो भी स्कूल में सीख के आता था या फिर पढ़ता था वो सभी चीज़ें किसको बताता था? हनी को पढ़ाता था. ठीक है. Now बंस thought of हनी. बंस क्या करता है? हनी को लेकर मम्मा को बताता है. We must buy something for हनी. हम लोग हनी के लिए भी कुछ
चीज़ खरीदते हैं। बंस सेड, कौन बोलता है? बंस बोलता है। ही इज़ माई फ्रेंड, वो कौन है? मेरी वो सॉरी वो कौन है? मेरे फ्रेंड है। यस ऑफकोर्स सेड मिसेस शर्मा, क्या बोलते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम लोग उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेंगे, ठीक है। चूज समथिंग फॉर हिम, कुछ चीज़ें उसके लिए भी लेंगे, चूज करो, ठीक है। वेन दे रीच्ड होम, वंस रन टू हनीज हाउस टू गिव हिम गिफ्ट, जैसे वो घर पहुँचता है, वंस उसे क्या करता है, उसके घर जाता है, किसके घर? हनी के घर, और क्या उसको गिफ्ट देता है, ठीक है। ही सेड सी वॉट आई हैव फॉर यू, बोलता है हनी को, बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद आया? हनी लुक प्लीज़, हनी देख, हनी को वो बोलता है, ठीक है, देखने के लिए। थैंक यू वंस ही सेड, क्या बोलते हैं, हनी थैंक यू करता है, ठीक है। दैट इवनिंग वेन हर वंस एंड हनी वेयर स्टडिंग टुगेदर, इवनिंग को वंस और हनी जो है क्या कर रहे थे, एक साथ स्टडी कर रहे थे, ठीक है। वंस सॉ दैट हिज फ्रेंड लुक रैदर सैड, वंस देखता है कि उसका दोस्त क्या है, उदास है, ठीक है। वॉट इज़ इट हनी, ही आस्क, वाई डू यू लुक सैड, क्या हो गया हनी, तुम उदास क्यों हो? ये कौन पूछता है? वंस पूछता है, किससे? हनी से, ठीक है। आई विश आई कुड गो टू स्कूल लाइक यू सेड हनी, हनी बोलता है कि मैं भी काश तुम्हारे तरह स्कूल जा पाता। बंस वॉन्डर हाउ कुड ही हेल्प हिज फ्रेंड, बंस सोचने लगा कि इसकी मदद हम कैसे करें। ही थाउट एंड थाउट एंड देन ही गॉट एन आइडिया, वो बहुत ही सोचा और उसे एक आइडिया आया, ठीक है। वेन ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे मॉर्निंग ही स्पोक टू हिज क्लास टीचर मिसेस वर्मा, जब वो स्कूल जाता है मंडे को, तो वो अपने क्लास टीचर को बोलता है, कौन थी सर क्लास टीचर? मिसेस वर्मा थी, उसे बताता है, मैम आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड हनी, बोलता है मैम मेरा एक फ्रेंड है, कौन? हनी। वंस बिगेन ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, वॉट कैन आई डू टू हेल्प ही, बोलता है उसे भी स्कूल जाना है, पर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मिसेस वर्मा थाउट फॉर अ मोमेंट, मिसेस वर्मा क्या की, सोचने लगी कुछ मोमेंट के लिए, वो क्या करने लगी, सोचने लगी, ठीक है। वंस यू कुड ब्रिंग हनी टू ज्वाइन आवर इवनिंग स्कूल, बंस को क्या बोलती हैं कि तुम इवनिंग स्कूल, मेरे इवनिंग स्कूल्स के लिए उसको बुला लो। चिल्ड्रन लाइक हनी स्टडी देयर, चिल्ड्रन के तरह हनी भी यहाँ स्टडी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इवनिंग स्कूल फॉर द चिल्ड्रन वॉज इन वंस स्कूल इट्सेल्फ, द मेनी चिल्ड्रन स्टडी देयर, दे डिडेंट हैव टू पे एनी फीस, क्या हुआ कि इवनिंग स्कूल में बंस उसे बुला लेता है, ठीक है। अब मैनी चिल्ड्रंस स्टडी दे, वहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस क्या कर रहे थे, पढ़ते थे, ठीक है। दे डिडेंट हैव टू पे एनी फीस, वो एक भी फीस नहीं देते थे वहाँ, ठीक है। बंस रेन अवे होम टू टेल हनी द न्यूज़, बंस क्या किया, हनी के घर गया और वो बताया। कृष्णा वॉज वेरी हैप्पी डैट हनी टू वुड बी गोइंग टू स्कूल, हनी के पापा क्या हो गए, हैप्पी हो गए, खुश हो गए कि अब मेरा बेटा भी कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। हनी वॉज ओवर जॉयड, ही हग्ड वंस एंड सेड दिस इज़ द बेस्ट दिवाली गिफ्ट एनी वन कुड हैव गिवन मी, क्या बोलता है बंस, वो हनी जो है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और बंस को हग किया, एंड देन क्या बोलता है कि ये मेरा बेस्ट दिवाली है और ये मेरा क्या है जो किसी ने नहीं दिया, इतना अच्छा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया, ठीक है।
तो आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया, और हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे 4th चैप्टर से। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।